यूपी में सड़क सुरक्षा सप्ताह का हुआ आगाज। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने राजधानी के 1090 चौराहे से की शुरुआत। 24 अप्रैल तक मनाया जाएगा सड़क सुरक्षा सप्ताह। अमेठी के गौरीगंज में बारातियों से भरी बोलेरो और ट्रक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बोलेरो सवार एक बच्चे समेत 6 लोगों ने मौके पर दम तोड़ा। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। एसपी और एएसपी समेत कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने सभी घायलों को पहुंचाया अस्पताल। कानपुर के घाटमपुर इलाके में तेज रफ्तार वैन ट्रक से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को सीएचसी में कराया भर्ती। घायल हेलेट अस्पताल रेफर किए गए। वैन में सवार थे बाराती। लखीमपुर खीरी में भाजपा विधायक का स्पीकर लगी गाड़ी से, बड़ा हादसा। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 2 लोगों को रौंदा। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत। उधर कोतवाली के रमापुरा के पास हुआ हादसा। आज सीएम के सामने सामाजिक सुरक्षा सेक्टर से जुड़े विभागों का प्रेजेंटेशन होगा। समाज कल्याण, महिला कल्याण और दिव्यांग जन सशक्तिकरण जैसे विभाग पेश करेंगे रोड मैप। एनएक्सी बिल्डिंग में शाम 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक होगा प्रेजेंटेशन। आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। सुबह कोर्ट सुना सकता है फैसला। जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर 4 अप्रैल को कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। सुनवाई से एक दिन पहले लखीमपुर खीरी के तिकोनिया हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने अपने गांव बनवीरपुर में लगाई चौपाल। लोगों की समस्याओं को सुना। आशीष मिश्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जौहर ट्रस्ट की भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जौहर ट्रस्ट के खिलाफ हुई थी कार्रवाई। आजम ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। पुलिस के रडार पर आए पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के कई करीबी। याकूब कुरैशी की तलाश में रिश्तेदारों के घर पर दबिश हुई। सर्विलांस टीम खंगाल रही नंबरों की डिटेल। याकूब कुरैशी पति संजीदा, बेटे इमरान और फिरोज की तलाश हो रही है। राजधानी लखनऊ में आज ओला उबर समेत प्राइवेट कैब की हड़ताल। सीएनजी के दाम कम करने और किराए में बढ़ोतरी की मांग। कैब ड्राइवर्स एसोसिएशन की हड़ताल से लोग हो सकते हैं परेशान। आज काशीपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। काशीपुर को देंगे कई सौगातें। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश सिंह के भतीजे की शादी में होंगे शामिल। आज असंतोष थामने के लिए कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक। सभी विधायकों से मौजूद रहने के लिए कहा गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज भी रहेंगे मौजूद। आज ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चार्ज संभालेंगे यशपाल आर्य। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें। जल्द ही उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यानी कि एसएसएफ के सहारे होगी यूपी मेट्रो की सुरक्षा। लखनऊ, कानपुर और नोएडा में मेट्रो स्टेशन पर तैनाती के लिए एसएसएफ के 814 पदों का सृजन किया जा चुका है। फिलहाल एसएसएफ में पीएससी के जवानों को अटैच कर उनसे मेट्रो की सुरक्षा का काम लिया जा रहा है। इन पीएससी कर्मियों से एसएसएफ में जाने के लिए प्रार्थना पत्र मांगा गया है। जो कि पीएससी कर्मी अपनी इच्छा से एसएसएफ में जाना चाहते हैं उनकी नियमित तैनाती एसएसएफ में कर दी जाएगी। ये प्रक्रिया भी हो सकती है। वर्दी के लिए जल्द ही शासन स्तर पर धन आवंटित भी होगा। एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरें ताबड़तोड़ की तरफ। बरेली में साई मंदिर में 2 युवकों की पिटाई का सीसीटीवी तस्वीर सामने आ चुका है। सपा नेता समर्थ मिश्रा पर अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट का आरोप लगा है। मंदिर में दर्शन करने पहुंचे 2 युवकों को जमकर पीटा गया। नैनीताल के प्रसिद्ध बोट हाउस क्लब में सदियों बाद शुरू हुई रंगाई पुताई का काम। क्लब के सुंदर बार में भरे जाएंगे ब्रिटिशकालीन रंग और इस क्लब में हो चुकी है कई सुपरहिट फिल्मों की शूटिंग। बुलंदशहर में झगड़े के दौरान लॉ स्टूडेंट की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। 7 नामजद और 1 अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। 2 लोगों की हुई गिरफ्तारी। मृतक के एक भाई की 2019 में हो चुकी है हत्या। खुर्जा के खीरखानी इलाके की पूरी घटना।
30 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक 33,000 से ज्यादा लोगों ने करवा लिया है रजिस्ट्रेशन। 43 दिनों तक चलने वाली यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। कोरोना की वजह से 2 साल के बाद शुरू हो रही है यात्रा। एटा में युवक को दी गई तालिबानी सजा। हाथ में कानून लेकर लोगों ने खुद किया इंसाफ। छेड़खानी और चेन तोड़ने का आरोप लगाकर युवक को बेरहमी से पीटा गया। मां के सामने उसके बेटे को पीटते रहे लोग। नहीं पसीजा किसी का भी दिल। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद में 15 अप्रैल को दिन दहाड़े महिला से हुई लूट की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। बाइक सवार दो बदमाश और महिला से लूट को अंजाम देकर आराम से हुए फरार। टीला मोड़ थाना क्षेत्र में अंजाम दी गई घटना। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दें। नोएडा से, नोएडा में कलेक्शन एजेंट से लूट करने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बाइक सवार बदमाश को मुठभेड़ में गोली लगी है। शातिर बदमाश 25,000 का इनामी है। घायल बदमाश नीतू उर्फ सैनी लूट में चल रहा था वानछेद। कब्जे से लूट के 1,15,000 रुपए पुलिस ने बरामद किए हैं। साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, एक तमंचा, कारतूस बरामद पुलिस ने किया है। थाना फेस 2 पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने फेस 2 थाना अध्यक्ष सृजित उपाध्याय व उनकी टीम को समय पर अनावरण करने पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया। अब चलिए आपको सीधे राजधानी लखनऊ लिए चलते हैं। वहां पर सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज किया गया है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह वहां पर मौजूद है। तस्वीरें उन्हीं की आपको हम दिखा रहे हैं। आज से 24 अप्रैल तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा और ट्रैफिक रूल्स के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं में किस तरीके से कमी हो, जो लगातार इजाफा हो रहा है, उसमें कमी किस तरीके से लाई जाए, ये कोशिश है और उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज से इसका आगाज हो गया है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इसकी शुरुआत। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ये हेलमेट और ये देखिए सेफ्टी किट लोगों को वितरित की जा रही है, जिसमें हेलमेट है। इसके अलावा वो तमाम जरूरी चीजें जो आपको सड़क पर वाहन चलाते वक्त हेलमेट अवश्य पहनने जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पर कुछ लोगों को सेलेक्ट किया गया है इसके लिए। दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री को आप देख रहे हैं, जो कि ये सेफ्टी किट लोगों को वितरित कर रहे हैं। आज से 7 दिनों तक यानी कि 24 तारीख तक सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर अलग अलग जगहों पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। ये पूरा कार्यक्रम 7 दिनों का रहेगा। जागरूकता अभियान एक तरीके से जो कि हर साल सरकार की तरफ से मनाया जाता है और इसी कड़ी में ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं लखनऊ से है। दयाशंकर सिंह जो कि परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी योगी सरकार 2.0 में संभाल रहे हैं, उनकी तरफ से लोगों को सेफ्टी किट इस वक्त वितरित किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें लखनऊ से आप देख पा रहे हैं। आज से 7 दिनों के लिए आगाज हो चुका है। आज से 7 दिनों तक लोगों को अलग अलग तरीके से जागरूक किया जाएगा। कहीं पर ट्रैफिक पुलिस आपको जागरूक करते हुए दिखाई देंगे तो कहीं पर बच्चे आपको जागरूक करते हुए दिखाई देंगे। इसी तरीके से 7 दिनों में अलग अलग कार्यक्रम होंगे सरकार की तरफ से और मकसद सिर्फ एक है कि सड़क दुर्घटनाओं में कैसे कमी लाई जा सके, कैसे लोगों को सुरक्षित किया जा सके, कैसे किसी की जान सड़क हादसे में ना जाए, यातायात के नियमों का लोग कैसे ध्यान रखें, कैसे वो पालन करें, जब वाहन चलाते हैं किन नियमों का ध्यान रखना है, कैसे आपको अलर्ट रहना है, इन तमाम चीजों का ध्यान आपको रखना है। इन 7 दिनों में इसी की ये पूरी ट्रेनिंग होगी। लोगों तक अलग अलग कार्यक्रम लेकर सरकार की तरफ से नुमाइंदे पहुंचेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे आपको सड़क सुरक्षा सप्ताह में भागीदार बनना है, कैसे आपको सड़क हादसों को रोकने में अपना योगदान देना है। सीधी तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। 1090 चौराहे से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ के 1090 चौराहा पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर परिवहन मंत्री भी पहुंचे हैं। इससे पहले एक बाइक रैली को, स्कूटी रैली को हरी झंडी दिखाई गई। देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल मुस्तैदी के साथ ये तमाम बाइकर्स तैयार हैं, जो कि लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। महिला बाइकर्स भी इसमें हैं, जो कि स्कूटी के साथ बिल्कुल तैनात दिखाई दे रही हैं। और ये तमाम जो महिलाएं हैं, जो तमाम पुरुष हैं, वो इन 7 दिनों में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करेंगे। यूपी में सड़क
सुरक्षा सप्ताह का आगाज हो चुका है। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जिन्होंने शुरुआत कर दी है, इसी कड़ी में आपको अलग अलग तस्वीरें लखनऊ से दिखा रहे हैं। और देखिए, घायल लोगों की जो संख्या है उसमें भारत का तीसरा स्थान है, जो कि सड़क हादसे में घायल होते हैं, जख्मी होते हैं। हर साल लाखों लोगों की जान चली जाती है सड़क दुर्घटना में। ज्यादातर हादसे नियमों के उल्लंघन से, लापरवाही से होते हैं। कुछ दुर्घटनाएं वाहन में गड़बड़ी की वजह से। इसीलिए हर एक पहलू पर ध्यान लोग रखें और आप इस तरीके से अभ्यस्त हो, वाहन चलाते वक्त कैसे आपको अलर्ट रहना है, इन तमाम नियमों को लेकर जागरूक किया जाएगा 7 दिनों में। और इसी कड़ी में ये तमाम तस्वीरें लखनऊ से आप देख पा रहे हैं। नियम तोड़ने पर किसी का चालान नहीं कटेगा। अभी इन 7 दिनों में जागरूक करने का काम होगा। नियम तोड़ने पर परिवहन मंत्री, प्रमुख सचिव, परिवहन आयुक्त कोई भी हो, सभी पर ये लागू होगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बड़ा बयान भी सामने आया है इस कड़ी में। और देखिए, नियम तोड़ने पर किसी का भी कटेगा चालान, ये उन्होंने बात कही है। हालांकि पहले लोगों को जागरूक करने की कोशिश होगी सरकार की तरफ से, लेकिन कोई भी हो, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो, नेता हो, आम हो, खास हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप नियम का उल्लंघन करते हैं तो फिर आपको चालान का भुगतान करना होगा। चलिए, आपको एक बार फिर से सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। वहां पर सड़क सुरक्षा सप्ताह का जो आयोजन चल रहा है उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। शुरुआत इसकी हो चुकी है। यहाँ बाइक रैली, मंत्री ने पहले स्कूटी पर जो महिला बाइकर थे यानी पुलिसकर्मी थी वो निकली, और उसके बाद में ये ट्रैफिक पुलिसकर्मी निकल रहे हैं। और दयाशंकर सिंह जो परिवहन मंत्री हैं वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, उनसे भी हम इस समय बात करेंगे यहाँ पर। और भाई, हमें लग रहा था तो हमारे सहयोगी शैलेश वहीं पर मौजूद हैं, वो लगातार वहां से हर एक जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। दयाशंकर सिंह से भी बातचीत की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई है परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने, और ये बाइकर्स निकलेंगे यहां से। अब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा 24 अप्रैल तक। लोगों को जागरूक किया जाएगा और ट्रैफिक रूल्स क्या हैं, नियम क्या हैं, नियम कायदों के बारे में आम लोगों को जानकारी है भी या नहीं ये बताया जाएगा। और कितना जरूरी है हेलमेट पहनना, कितना जरूरी है नियमों के बारे में जानकारी होना, तफसील से जाकर के लोगों को समझाया भी जाएगा। और अपने आप में ये बहुत अहम हो जाता है पूरा सप्ताह, जब जाकर के लोगों को बताया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। और चलिए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं खबरें ताबड़तोड़। कानपुर में साध्वी रितंभरा का बड़ा बयान सामने आया। हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने का आह्वान किया, 2 बच्चे परिवार के लिए पैदा करें, हिंदू परिवार 2 बच्चे राष्ट्र को समर्पित करने का आह्वान किया। अमरोहा में डीआईजी सलभ माथुर और एसपी विनीत जायसवाल ने निकाला फ्लैग मार्च, गजरोला थाना क्षेत्र में निकाला गया फ्लैग मार्च। हरदोई में बीच सड़क पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पछौना कस्बा चौराहे का बताया जा रहा है मामला। मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़, पुलिस ने संभाला मोर्चा, सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। औरैया जिले के व्यापारियों को सांसद रामशंकर कटेरिया ने सौगात दी है, मेमो ट्रेन को फफुंद रेलवे स्टेशन से कानपुर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गाजीपुर में अपहरण के 2 आरोपियों को 24 घंटे के अंदर किया गया गिरफ्तार, मामले में एक पुलिसकर्मी भी शामिल, चंदौली के रहने वाले शख्स का किया था अपहरण। मसूरी में धूमधाम के साथ मनाया गया टर्बन डे, लोगों ने पगड़ी बांधकर सेल्फी ली। रुद्रपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने 2 युवकों समेत 2 महिलाओं को किया गिरफ्तार, मोबाइल पर युवतियों के फोटो भेजकर करते थे सौदा। रुद्रप्रयाग में कोरोना के 2 साल बाद गुलाब राय मैदान में मेले का आयोजन हुआ, विधायक चौधरी ने किया 14 दिवसीय ट्रेड फेयर मेले का शुभारंभ। दिल्ली हिंसा में FIR में शांतिपूर्ण शोभा यात्रा में बहस की बात लिखी गई, बताया ये जा रहा है कि शनिवार शाम 4:30 बजे दोनों पक्षों में बहस की शुरुआत हुई, जिसके बाद देखते ही देखते दोनों तरफ से पथराव शुरू हुआ। दिल्ली में जहांगीरपुरी हिंसा का नया वीडियो भी सामने आया है, पत्थरबाजी करते दिखाई दे रहे उपद्रवी।
नए वीडियो में एक शख्स फायरिंग भी करते हुए दिखाई दे रहा है। शख्स ने नीले रंग का कुर्ता पहना हुआ है। पुलिस वीडियो के आधार पर युवक की तलाश कर रही है। उन्नाव में दिल्ली में हुई पत्थरबाजी पर सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान, कहा घटना को पत्थर जिहाद का नाम दूंगा। रुड़की में हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा के दौरान बवाल का मामला, डीआईजी ने किया दौरा। भगवानपुर थाना क्षेत्र के डाडा जलालपुर गांव में हुआ था बवाल। दिल्ली घटना के बाद बुलंदशहर में अलर्ट है, पुलिस ने ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी है। दिल्ली में हनुमान जयंती के दिन बवाल के बाद अयोध्या के संतों में भी नाराजगी, शोभा यात्रा पर हमला करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। गाजियाबाद के लोनी में कड़ी सुरक्षा के बीच शोभा यात्रा निकलती हुई दिखाई दी। दिल्ली में दंगे के बाद सुरक्षा पुख्ता कर दिए गए हैं। दिल्ली में हिंसा के बाद से यूपी में भी अलर्ट, शामली के कैराना में ड्रोन से हो रही है निगरानी। अयोध्या में 84 कोस की परिक्रमा कर रहे विश्व हिंदू परिषद ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल, वीडियो जारी कर प्रशासन पर उदास चिंता का आरोप लगाया। बिजनौर में गेहूं की फसल में अचानक से लगी आग, आग लगने से 2 बीघा गेहूं की फसल हुई चौपट। थाना नगीना देहात के जोगीरम पूरी इलाके का पूरा मामला। श्रावस्ती में कई बीघा गेहूं की फसल आग का सोला बनी, थाना सोनवा के शाहपुर कठौतिया का ये पूरा मामला। लखीमपुर खीरी में अज्ञात कारणों से लगी आग ने 8 घरों को अपने आगोश में ले लिया, थाना मिटौली इलाके के गणेशपुर गांव का ये पूरा मामला। सिद्धार्थनगर में अज्ञात कारणों से लगी आग के आगोश में आने से दर्जनों रिहायशी मकान जले, बांसी तहसील के मसीना खास के टोला शंकरपुर का ये पूरा मामला। बाराबंकी में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भीषण आग, आग की चपेट में आने से आधा दर्जन से अधिक घर जले। हरिद्वार के बहादुराबाद इंडस्ट्री एरिया में एक कंपनी में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। भदोही के काली नगरी में एक रुई के गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगी, भदोही कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर मोहल्ले का यह मामला। औरैया में गेहूं के खेतों में लगी भीषण आग, कई बीघा फसल जलकर राख, सदर कोतवाली क्षेत्र के शहबदिया गांव का पूरा मामला। हमीरपुर में शोहदों से तंग आकर 11वीं की छात्रा ने खाया जहर, युवक छात्रा से शादी के लिए बनाता था दबाव, राख कोतवाली क्षेत्र के कुर्रा गांव का ये पूरा मामला। लखीमपुर खीरी में एसटीएफ और पुलिस ने 2 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार, इनके पास से 22,39,800 रुपए नकद बरामद। जालौन में दबंगों के हौसले बुलंद है, ज्वेलर्स की दुकान के अंदर घुसकर मारपीट की गई, मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, कालपी कोतवाली क्षेत्र के जुलहेथी इलाके का पूरा मामला। लखनऊ में बाइकर्स ने मचाया तांडव, बाइक सवार बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में कार पर की फायरिंग। फिरोजाबाद में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, गोविंद नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी, साथ ही भोला भी गिरफ्तार, थाना शिकोहाबाद में पेट्रोलिंग कर रही थी पुलिस। लखनऊ बीकेटी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। इटावा पहुंचे शिवपाल यादव ने एक बार फिर से भाजपा सरकार की तारीफ की है, छात्रों को बांटे जा रहे टैबलेट, स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में पहुंचे थे शिवपाल यादव। मेरठ पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्वास्थ्य विभाग की उपलब्धियां गिनवाई, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुरा में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जायजा लिया। आगरा पहुंचे समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की, 100 दिन की बताई प्राथमिकता। निर्माणाधीन समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से बनाया जा रहा है विद्यालय।
सोनभद्र में महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। गैस सिलेंडर, नींबू और तेल सहित कई सामानों की आरती की गई। रॉबर्ट्सगंज के स्वर्ण जयंती चौक पर प्रदर्शन हुआ। उन्नाव में भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान मिली कमियों को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। वार्ड में मौजूद मरीजों से बातचीत की, उनका हालचाल लिया, डॉक्टर से दवाइयों के बारे में जानकारी ली। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ललितपुर होते हुए दिल्ली जाते वक्त रेलवे स्टेशन ललितपुर का निरीक्षण किया। रेल यात्रियों से मिलकर रेलवे की सुविधाओं के बारे में चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने कहा, बुलेट ट्रेन का सपना जल्द होगा पूरा। लखनऊ में फायर डिपार्टमेंट ने की मॉक ड्रिल। क्लार्क अवध होटल में की गई मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल में फायर विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शीर्ष नेतृत्व ने धामी के चंपावत से चुनाव लड़ने पर मुहर लगा दी है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर राहुल को नोटिस। टाइगर सफारी में अवैध निर्माण और कटान समेत कई गड़बड़ियों का मामला है। शासन ने 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है। धारचूला से विधायक हरीश धामी का बड़ा बयान आया सामने। कहा, 2027 में कांग्रेस के टिकट पर नहीं लड़ूंगा विधानसभा का चुनाव। सीट छोड़ने से पहले जनता से लूंगा सलाह।